इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन को रख दिया गर्म होने के लिए। मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, हल्दी पाउडर, बॉइल किए हुए आलू, लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया, अदरक, स्वाद अनुसार नमक, और इसे ठंडा होने के लिए बाउल में रख के अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर। इसके लिए मैदा लिया है, मैदा में डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक। पानी डालकर इसका घोल तैयार करें। मैदे का घोल तैयार हो गया है, इसे मैं एक प्लेट में रख रही हूँ। इसके लिए बन लिया है और इसे इस तरह से कटिंग करें। फ्राई आलू को इसके ऊपर फैला दें। बेसन के घोल में इस तरह से डीप करें। इसके लिए ब्रेड क्रम लिया है, इस तरह से इसे ब्रेड क्रम में लपेट लें। रिफाइंड डालकर पैन को रख दिया गर्म होने के लिए। एक एक करके डालें और इसे एक प्लेट में रखें। इस तरह से कटिंग कर दें। ये हमारी नई रेसिपी तैयार है। इसे खट्टी या मीठी चटनी के साथ सर्व करें।